ये जो पावर सप्लाई है 30 वोल्टन एम्प्स की है, मींस 300 वोल्ट्स की पावर सप्लाई है, तो काफ़ी पावरफुल है दोस्तों। और ये हमने मंगवाई है AK इन्फो से, AK इन्फो टूल्स एक वेबसाइट है, वहाँ से आपको ये देखने को मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इससे हम देखेंगे, टेस्ट करेंगे, दो चार मोटर चला के देखेंगे और इसका टेस्ट करेंगे कि क्या इसकी स्टेबिलिटी कैसी है, इसके वोल्ट्स और एम्पियर्स क्या चेंज होते हैं जब हम वोल्ट्स को चेंज करते हैं, क्या एम्पियर भी चेंज होते हैं। तो दोस्तों इस तरह के कुछ टेस्ट करेंगे। तो अभी इसको निकाल लेते हैं। बॉक्स सिंपल सा ही है दोस्तों, पैकिंग काफ़ी अच्छी की हुई है। तो मतलब ये जो है एक चाइनीज़ पावर सप्लाई है। वैसे तो अगर आप बैंगहुड या फिर अलीबाबा से इसको लेते हैं तो काफ़ी महंगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी टैक्स वगैरह लगकर ये 6-7 हज़ार रुपये की मिल जाती है दोस्तों। और यहाँ पर इसका जो प्राइस है वो 4.5-5 हज़ार रुपये तक है, तो आप वहाँ पर इसको देख सकते हैं। इसके साथ हमें को एक पावर लीड देखने को मिलती है, इसमें 4 से 5 हमारा आउटपुट लीड्स रहती है जिसको हम आगे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर एक पावर सप्लाई काफ़ी अच्छे बॉक्स में, दो लीड जो यहाँ पर पावर कोर्ड होती हैं वो मिल जाती हैं, एक जो है यहाँ पर एक्स्ट्रा है और एक इसमें अभी लगेगी। तो ये दो पावर कोर्ड्स और एक इसमें आउटपुट कोर्ड मिलती है देखने को। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है दोस्तों, 10 एम्प्स तक बिल्कुल अच्छे से हैंडल कर सकती हैं 30 वोल्ट्स पर, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। पावर सप्लाई का जो वेट है वो 2.5 kg का है, तो काफ़ी अच्छी है मतलब ये भी। इसके साथ आपको फाइन और कोरस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है यहाँ पर। कोरस मतलब अगर आपको वोल्ट्स को एकदम बढ़ाना है 0 से 30 वोल्ट तक, और फाइन का अगर आपको 12.7 वोल्ट्स हैं आपका, तो आप फाइन करेंगे तो 12 वोल्ट्स पर मतलब एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ बैक साइड में आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, एक फ़ैन देखने को मिलता है। ये फ़ैन तभी ऑन होगा जब अंदर की हीट होगा। इसमें एक टेम्परेचर सेंसर है अंदर की तरफ, वहाँ से ये फ़ैन तभी ऑन होगा जब अंदर हीट होगी। साथ ही साथ 220 वोल्ट्स को आपने सिलेक्ट करना है इंडिया के लिए, और पावर कोड आपको देखने को मिल जाती है। साथ में एक सीन सेम का यहाँ पर फ्यूज़ देखने को मिलता है, जो एक बहुत ही अच्छी बात है इस पावर सप्लाई के लिए। तो अभी यहाँ पर एक सबसे पहले स्टार्ट के लिए एक बटन है, और यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं कि 30 वोल्ट तक क्या सचमुच भी जाती है। तो काफ़ी अच्छी है, 31 वोल्ट्स पे अच्छा काम करेगी, मतलब ये पावर सप्लाई 31 वोल्ट्स तक जाती है। तो अभी 3 वोल्ट पर कुछ टेस्ट कर लेते हैं, इसका पावर कोड को लगा लेते हैं सबसे पहले। तो ये जो पावर कोड है, अगर आपको अलग से भी लेनी है, AK इन्फो से आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। वैसे तो ये फ़ोन वगैरह का सामान बेचते हैं ज़्यादा, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अभी हमने एक 8 mm की LED कनेक्ट की है, वाइट LED। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी जो इन्होंने पावर कोड ली है आउटपुट के लिए। इसमें आप ये शॉर्ट सर्किट का जो है वो नहीं होता इसमें। साथ ही साथ यहाँ पर एक 12 वोल्ट का आयरन है हमारे पास, इसको टेस्ट कर लेते हैं अभी। तो 12 वोल्ट का आयरन है, तो 12 वोल्ट पे टेस्ट करेंगे अभी। और यहाँ पर इसकी जो पावर कोड है वो काफ़ी अच्छी लगी यार मुझे, यहाँ से आप देख सकते हैं इसको। तो अभी 0.5 amps पे चल रही है, तो अभी थोड़ा सा वोल्टेज इंक्रीज़ कर देते हैं 15 वोल्ट तक, ताकि ये 12 वोल्ट पे चले आयरन जो है हमारा। तो अभी लगभग ये हो चुका है, तो 30 सेकंड के बाद ये हमारा जो है गर्म हो जाएगा, और हम इस पर कुछ टेस्ट करेंगे, सोल्डरिंग वायर वगैरह। तो दोस्तों आयरन तो ये काफ़ी अच्छी तरीके से हैंडल कर रहा है, और कुछ ज़्यादा एम्प्स भी नहीं यहाँ पर जा रहे हैं, 0.6 amp। वैसे 10 एम्प्स तक ये जो है पावर सप्लाई वर्किंग में है, वो भी टेस्ट करेंगे जो इसका स्टेबिलिटी टेस्ट होगा। और जहाँ पावर सप्लाई की बात आए, वहाँ DC 775 की जरूर आती है। तो यहाँ पर एक मेरे पास ये बियरिंग और फ़ैन वाली अंदर इसके फ़ैन है दोस्तों, ये काफ़ी अच्छी मोटर है, ये मैंने परचेज़ की थी काफ़ी दिन पहले, DC 775 दोस्तों, बहुत ही पॉपुलर मोटर है। तो इसको हम टेस्ट करेंगे सबसे पहले 12 वोल्ट्स पर, देन वोल्ट्स को इंक्रीज़ करेंगे और एम्पेयर को टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर पॉजिटिव को हमने और नेगेटिव को यहाँ पर लगा दिया, आप कोई भी टर्मिनल कैसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 0.2 amp ले रही है सिर्फ 12 वोल्ट पर। तो अभी हम वोल्टेज को इंक्रीज़ करते हैं, तो यहाँ पर 13-14, और यहाँ पर ये जो है मोटर ये 30 वोल्ट तक काफ़ी अच्छी काम करती है, 30 वोल्ट से भी ऊपर काफ़ी बढ़िया काम करती है। अभी आ जाता है इसका स्टेबिलिटी टेस्ट। हमने एक हॉट प्लेट ऑर्डर की थी JLC PCB से, इसकी वीडियो मैं जल्दी ही लेकर आऊँगा। ये जो है SMT सोल्डरिंग के लिए होती है दोस्तों,
कि अगर आप SMT जैसे अर्डिनो वगैरह बना रहे हैं तो इस पर रख कर उसको शोल्डर कर सकते हैं। तो इसके नीचे कुछ रख लेते हैं ताकि जो हमारा सरफेस है वो ज़्यादा गर्म ना हो। उसके बाद पावर सप्लाई को 12 वोल्ट पर सिलेक्ट कर लेते हैं फाइन, और कोरस को एडजस्ट करके पूरा 12 वोल्ट पर यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल लगा लेते हैं और यहाँ पर इसका स्टेबिलिटी, पावर और सब कुछ टेस्ट होगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 7 एम्प ले रही है, 7.5 एम्प्स ये जो प्लेट है दोस्तों, 7.5 एम्प एट 12 वोल्ट्स। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ये कॉपर की है, एल्यूमिनियम की है ये जो प्लेट है, जैसे ही एल्यूमिनियम हमारा गर्म होगा तो हमारे एम्पियर डिक्रीज होते जाएंगे क्योंकि इसका रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर 7 एम्पियर पर हम इसको रखेंगे कांस्टेंट पर। तो यहाँ पर एक चीज़ आ जाती है इस पावर सप्लाई में, वो है कांस्टेंट करंट और कांस्टेंट वोल्टेज वाला फीचर। तो हम अगर कांस्टेंट 7 एम्प पर रखना चाहें तो हमारा जो वोल्टेज है वो अपने आप बढ़ता जाएगा लेकिन करंट कांस्टेंट रहेगा। अगर हम इसको कांस्टेंट वोल्टेज पर रखें, अगर हमने उसको 9 वोल्ट पर रखा तो 9 वोल्ट ही रहेगा और एम्पियर हमारा डिक्रीज़ होता जाएगा दोस्तों जैसे जैसे ये प्लेट जो है गर्म होगी। तो अभी 6 एम्पियर पर रखा है तो एम्पियर स्टे वैसे ही रहेगा और वोल्टेज हमारा इंक्रीज होता जाएगा धीरे धीरे। तो ये जो प्लेट है ये 7 एम्प्स तक काफ़ी अच्छे काम कर लेती है। वैसे तो 10 एम्प्स पर भी मैंने चलाई है दोस्तों, 15 वोल्ट्स पर, तो काफ़ी बढ़िया काम करती है। तो यहाँ पर हम इसको 7 एम्पियर कर देते हैं अभी थोड़ा सा एडजस्ट करके। यहाँ पर जो ये करंट और वोल्टेज का स्टेबिलिटी फंक्शन है ये बैटरी चार्ज करने में काफ़ी हेल्पफुल है दोस्तों। तो 7 एम्पियर कर देते हैं अभी पूरा। तो अभी आप देखेंगे कि वोल्टेज जो है थोड़ी थोड़ी इंक्रीज़ होती जाएगी अपने आप और करंट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो प्लेट है ये 2 से 3 मिनट में गर्म होती है 7 एम्पियर पर भी, लेकिन गर्म इतनी हो जाती है कि सोल्डर वायर को भी पिघला सकती है दोस्तों। ये सोल्डर जो पेस्ट होता है वो थोड़ा कम में, मतलब थोड़ी कम गर्म में भी चल जाता है। तो दोस्तों अभी रुकते हैं थोड़ी देर के लिए और इस पे वायर जो है वो करेंगे। तो धुआं सा इसमें से निकलना स्टार्ट हो चुका है अभी, और अब तक जो पावर सप्लाई है वो गर्म नहीं हुई क्योंकि उसका फ़ैन नहीं चला अब तक पीछे से। तो इसका वायर जो है हमारी ये 300 डिग्री सेल्सियस पर पिघलती है दोस्तों। तो प्लेट जो है काफ़ी गर्म हो चुकी है, यहाँ पर हमने इस पे वायर के 2 टुकड़े डाले हैं। तो अभी देखते हैं, लेकिन अभी तक पावर सप्लाई जो है पूरी तरह से स्टेबल है 7 एम्प पर, और अभी तक इसका पावर जो है पीछे से पावर जो फैन है इसका वो अभी तक नहीं चला दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि जो वायर है वो 300 डिग्री सेल्सियस पर पिघल रही है इस टाइम, और ये हमारा प्लेट भी काफ़ी अच्छी तरह से वर्क कर रही है इस पावर सप्लाई पे। ये जो पेस्ट होता है मैंने आपको बताया 183 डिग्री सेल्सियस पर होता है और वायर जो होती है वो 300 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये पेस्ट को तो काफ़ी अच्छी तरह से मतलब पिघला देगी दोस्तों। तो हमारा SMT सोल्डरिंग स्टेशन यहाँ पर बन जाएगा काफ़ी अच्छी तरीके से, प्लेट, हॉट प्लेट, वायर जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से 7 एम्प्स हैंडल कर रही थी और बिल्कुल भी गर्म नहीं हुई, मतलब स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है। अगर आप इसको पावर सप्लाई को काफ़ी देर तक भी चलाते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। इसका फ़ैन जो है काफ़ी देर में ऑन होता है, जब अंदर का सिस्टम हॉट होगा तभी फ़ैन ऑन होगा। उसमें एक टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है, बस आपको सिलेक्ट करना है 220 वोल्ट्स AC और 110 वोल्ट पर नहीं करना आपको। यहाँ सर आप बैटरी चार्ज कर सकते हैं जो हमारी 18650 होती है, मोटर चला सकते हैं, कोई भी एम्पलीफायर या फिर बोर्ड चला सकते हैं जो सिंगल पावर सप्लाई पर चलता है 30 वोल्ट तक दोस्तों। यहाँ पर एक पावर का ऑप्शन है, पावर का जो स्विच है जब आप उसको बंद करोगे तभी हमारी पावर सप्लाई ऑफ होगी दोस्तों। तो ये काफ़ी अच्छा है, तो आपको इसको मेन से बंद करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।